कहाँ चढ़ गई? इधर आ, तू भी ना इतनी ज्यादा फ्रैंक हो रही है। पोर्टेबल चूल्हा कैंपिंग वाला, ये मजा आ गया, मजा पहुंच गए मसूरी। जो लोग हमारी वीडियो देखने के बाद यहाँ आएंगे वो सच में हमें थैंक यू तो जरूर करेंगे। तो थैंक यू के बदले में हम क्या चाहते हैं? कुछ ज्यादा नहीं, बस जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर देना और ग्रे कर देना। तो ये हमारी मैगी और चाय आ गई है, तो लो ये चाय मैगी ले लो, ट्रे दे दो। तो बाय बाय टाइगर फॉल, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। चलो अब निकलते हैं। कहाँ है वो? हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी सीट के नीचे। आजा, कूड़ा निकालो। हाँ अब ले लो इसे, आजा 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 आजा। चल बाय बाय बाय। हाँ क्या हुआ भाई? भागी बार बार गेट बंद रखना, कहाँ चढ़ गई? इधर आ, तू भी ना इतनी ज्यादा फ्रैंक हो रही है, इतना भी फ्रैंक नहीं होना। आजा 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 आजा। तू भी ना गाड़ी पे चल के बैठ जाती है, मैं मुझे इसको पकड़ के बैठना पड़ेगा, ये गाड़ी पे जा रही है। चलो बाय बाय बाय। चलो अब चलते हैं, उतरो तुम बैठो, मैं भाग के आऊंगा अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा, नहीं तो पीछे आ जाएगी। चलो बाय, हमारे पीछे मत आना भाग के। अरे फिर आ गई, जाने दे हमें, इधर आ इधर। ओ शिट, वाओ कितनी तेज भाग के आई है। ओह ये मेरे नीचे खड़ी है भाई साहब, जाने नहीं दे रही थी वो, जैसे तैसे आया उसे छोड़ के। चलो अभी कहाँ है वो? है अब उस दुकान पे। हाँ भाई आप दो गाड़ी है और सिया का थी। चलो चलो, तो बस अब एक छोटा सा ब्रेक लिया, तो वापस मसूरी जाते टाइम अब बीच में चक्कर आता है, तो उसकी मेन मार्केट में उतरे, तो यहाँ पे एक चंदानास मोमोज वाला है फेमस बहुत, तो उसका नाम सुना है काफ़ी, तो देखते हैं कैसा है। तो अगर आप अपनी गाड़ी ला रहे हैं यहाँ मार्केट में, तो पार्किंग है 100 रुपीज़ एक घंटे 24 घंटे के लिए। तो ये है मार्केट पूरी की पूरी, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है लेकिन हाँ अच्छी लग रही है। चलो पहुंच गए हैं यहाँ के फेमस चंदानास फूड कोर्ट पे। भैया क्या आपके मोमोज हैं स्पेशल यहाँ के? राजमा चावल भी है। अच्छा राजमा चावल भी है, चकराता के मशहूर राजमा चावल। हम आए और कनिका मोमोज वाला पॉइंट छोड़ दें। अरे कनिका की शादी के बाद वहाँ मोमोज वाले की शॉप बंद होगी, इसलिए रोता है। चाय भी सही लग रही है, चाय के कलर देखो। चाय क्या बात है, कड़क। ये तुम्हारी वाली नहीं है लेकिन, ये एक प्लेट मोमोज दे दीजिए हमें, वेज मोमोज। वेजिटेबल मोमोज, एक ग्रिल्ड सैंडविच, उसमें पत्ता गोभी मत डालना, चीज मत डालना, अलग से चीज मत डालना, बाकी जो उसमें रहती है वो तो रहेगा ही। और एक कर देना आप वेजिटेबल नूडल्स, उसमें पत्ता गोभी मत डालना, ठीक है। तो ये आ गए हमारे वेज मोमोज। तो ये चंदानास कैफे जो है ना, इसके बहुत फेमस है। चटनी का कलर देखो आप, ज़्यादा रेड नहीं और अलग सा कलर है, डिफरेंट सा, थोड़ा ब्राउनिश सा है और ज़्यादा ज़्यादा स्पाइसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अच्छी लग रही है। रेडिंग भी एकदम पसली है, अच्छे थे मोमोज। अब ऐसे ही ख़त्म हो गए, पता भी नहीं लगा।
बहुत टेस्टी थे, कितने दिनों बाद इतने अच्छे मोमोज में लाइक अच्छे हैं वहाँ। तो अब हमने लिया है नूडल्स जो चाउमीन जैसी लग रही है, बढ़िया है, पतली पतली है ना, बारीक बारीक अच्छे बना रखे। हम दोनों शादी में चाउमीन खाते थे ना पहले। और जो मार्केट है वो बस ये आगे तक ही है, तो ये छोटी सी मार्केट है लेकिन अच्छा है, मतलब टूरिस्ट आए हुए हैं, क्यूट सी मार्केट है। तो आप कहाँ से हो? बैंगलोर। तो यहाँ पे पढ़ते हो आप? नहीं नहीं बैंगलोर से आया। अच्छा घूमने के लिए आए हो, ओके नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। सब्सक्राइब आवर चैनल सनी एंड रिकी। हाँ याद है। यहीं पे पढ़ते हो आप? नहीं जो जोनसर पब्लिक स्कूल चक्राता था। अच्छा यहाँ पे घूमने आए हो मार्केट में? नहीं स्कूल 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 की अब छुट्टी हो रही है इतना लेट? अभी ट्यूशन ट्यूशन भी है। अच्छा तो यहाँ पे हॉस्टल है, वहाँ पे घर रहता, घर भी यहीं पे आसपास ही? आगे आगे 6 किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा कौन सी क्लास में हो बच्चों आप? फोर्थ। चलो आप यूट्यूब देखते हो? नहीं देखते हो? आप वीडियो में आओगे, सनी एंड रिकी चैनल है, ठीक है, सनी एंड रिकी, ठीक है, आप सब वीडियो में आओगे। हाय। बस अब मार्केट में घूम लिए, अब निकलते हैं यहाँ से। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ सड़क पे। हमारा मूड नहीं था बिल्कुल भी रुकने का, लेकिन हमें रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस व्यू के वजह से, मतलब ऐसे बह के आ रहे हैं ना क्लाउड्स, ये देखो अमेजिंग। और ये देखो इधर, ये इधर हम बादलों से ऊपर हैं हम इस वक्त, इतना अमेजिंग व्यू है। जो मैंने आपको कार्टन दिखाया था ना उसमें क्या था, चलो ओपन करते हैं। चूल्हा ले लिया क्या? आ जाओ उस पे रख लो, उसके ऊपर मैं जरा सामान निकाल लूं, कहीं का इसको ना पानी में से निकाल। तो ये है हमारा पोर्टेबल चूल्हा कैंपिंग वाला, अब इसको यहाँ रखते हैं। सिलेंडर ले आओ इसका, और इस मौसम के साथ हम पियेंगे जूस। जूस सूप, सॉरी सूप सूप। तो ये इसका सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका ये है, हो गया। तो पहले पानी, तो पहले थोड़ा पानी डालता हूँ जिससे कि फोर कप्स आयाश को तो कवर करना पड़ेगा, नहीं तो पोजीशन पे लगनी पड़ेगी। हाँ वहाँ तो रखो। और यहाँ पे ठीक है क्योंकि कवर्ड भी है ना थोड़ा सा। चलो ये हमने चम्मच या वो दे दो, कुछ है क्या हमारे पास? मिक्स करो। तो ये डालो पानी, डालो और डालो, आधी लीटर से ज्यादा पानी डालेगा। 600 हाँ 600 ml। तो ये सिया बना रही है सूप हमारा। सिया अच्छे से काम करना। तो इतने ये सूप हो रहा है हमारा, इतने हम नज़ारे के मज़े लेते हैं। अभी अभी यहाँ पे बहुत बादल थे, बिल्कुल नहीं कुछ दिखाई दे रहा था, और अब सब दिखाई दे रहा है। ये देखिए हम एकदम टॉप पे हैं, ये अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ पे। चलो भाई हमारा सूप सूप हो गया है रेडी। सूप 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 ले लो। कैसा है? बढ़िया। गरम गरम सूप इस ठंडे ठंडे मौसम में। हमने बता मैगी भी ले रखी थी, अगर चाय मैगी चाहिए तो वाली मैगी खिलाइए। वो जोश में जल जलवालिया मुंह मैंने अपना। हां वहां बना सकते, क्या ही बात है, मजा आ गया। इधर तू नहीं आएगा, इधर आ सुनील के साथ। आ जाओ मैं सारा को बैठने। बस हमारा हो गया है यहां पे ये वाला सेशन खत्म। तो बड़ा मज़ा आया हमें, आई होप आपको ये देख के बहुत मज़ा आया होगा। कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे कि हम भी ऐसा कोई पोर्टेबल चूल्हा लें और ऐसे मौसम में ऐसी जगह पे ऐसे एंजॉय करें। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। बाकी मौसम अगेन बहुत ज़बरदस्त हो रखा है, अभी रात होने वाली है, हमें लगेगा 2.5 घंटा कम से कम
अंधेरे में चलाएंगे, लेकिन आराम आराम से चलाएंगे। तो अपनी गाड़ी के यही मज़े होते हैं कि जहाँ मन करे वहीं रोक लिया, जहाँ मन करे हमने अपना वीडियो बना ली, फ़ोटो खींच ली। तो यहाँ फ़ोटो सेशन किया, कुछ सूप पिया, आप निकलते हैं यहाँ से फटाफट। सबके मोबाइल वोबाइल हैं, सेट है सब, कुछ गंदगी तो नहीं फैलाई? नहीं, डस्टबिन में डाला। ठीक है, चले अब। चलो, यस, ओके जी, चलो। हमारी लोकेशन भाई साहब, कोहरा देखो, कोहरा सामने, मतलब ये है अभी वो नहीं चल रहा है, 6 बज रहे अभी। हाँ, कहीं आप सोच रहे हो कि ये सर्दियों का मौसम है, और ये बादल है, बादल खूब कोहरा है, और हमारे नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, बस फिलहाल चल रहे हैं सामने देखो। लेकिन कुछ भी हो, मजा बहुत आ रहा है भाई साहब, एक नंबर मजा। भैया मसूरी के लिए थैंक यू भैया, हम सही रूट पे हैं। हमने भैया से पूछ लिया लोकल से, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, और कोहरा बह बह के आ रहा है, गाड़ी के अंदर घुसे जा रहा है, और पीछे वाले जो हैं इतने आगे आगे शीशा देख रहे हैं कि मुझसे भी आगे आगे आ रहे हैं हम गाइड करेंगे, और पीछे से अपने ब्रेक लगा रहे हैं वो और ये हमें अंधेरों में चलते चलते मिल गया एक साइन बोर्ड हो रहा, और इस पे लिखा है 54 किलोमीटर मसूरी। तो 54 किलोमीटर का मतलब हमें लग जाएगा 1.5 घंटा। तो हम पहुंच गए हैं अब कैंपटी फॉल, ऑब्वियसली रात को नहीं जाएंगे, कैंपटी फॉल में अलग से आएंगे, ये मार्केट है। ये फाइनली पहुंच गए मसूरी। शानू हम सब पे कैमरा मार, ये भीड़ है भाई साहब, देखो देखना, जाने नहीं देगा ये, पूछ के आना है और एक बार। हाँ क्या कह रहे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है ये, तो यहाँ जॉब पे है, ये नहीं देगा, इसे हमने दोस्त को भेज दिया वापस। हाँ क्या कह रहे हैं, 10:30 भाई, हाँ उससे ज्यादा किलोमीटर चक्राता। अभी फिलहाल सीन ये है कि यहाँ पे हमारा जो होटल है वो मॉल रोड पे, और मॉल रोड पे एंट्री 4:30 से 10:30 तक बंद होती है, तो हम अभी नहीं जा पाएंगे, और 10:30 तक हमें या तो पार्किंग में पार्क करके फिर जाएंगे, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो सीन अभी ऐसा है कि फाइनली हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, पार्किंग तो नहीं मिली थी प्रॉपर, क्योंकि पार्किंग के लिए बोल रहे थे कि अगर आपने पार्किंग करी तो वो सुबह को ही मिलेगी, तो बस अभी जैसे तैसे एक बंदा मिला था जो होटल होटल के रूम करवाता, कहता सर यहाँ पे खड़ी कर दो, उसे थोड़े से पैसे दे दिए हमने। तो 1.5 घंटे की बात है, वैसे तो 9:30 हो रहे हैं, 10:30 तक हम अंदर जा सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी चौक मेन मसूरी का, तो ये है लाइब्रेरी, और ये है हम लाइब्रेरी 1843 से, तो बहुत पुरानी है अंग्रेज़ों के टाइम की। मॉल रोड की यहाँ की बात ही अलग है, मस्त है, मतलब जहाँ पे हम रुके थे शानू उसका अलग मज़ा है, और मतलब जहाँ पे अभी रुके थे उसका अलग मज़ा है, ऐसे मॉल रोड पे होटल में रहने का अलग मज़ा है। नहीं तो अभी होटल आ गए, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये कौन सा होटल है, रूम टूर आपको अच्छे से देते हैं। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं, आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, है ना। आज एक ही वहाँ से यहाँ तक की ड्राइव में हमने बहुत तरीके का देख लिया, क्लाउड्स हमें क्रॉस कर रहे हैं। इस वीडियो शायद आज की थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।